कुछ सोचा है? कभी कभी ये काम भी करना। अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात यार। फाइनल है यार। फाइनल। सुबह से दारू पी रहा ना। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना चंदू जयपुरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो जो है बेहद ही खास होने वाली है, और आपने पहले वाली हमारी वीडियोस देखी होगी शोले फिल्म की, उसमें आपको थोड़ी थोड़ी लोकेशन मैच करने में दिक्कत आई होगी, लेकिन ये लोकेशन मैं आपको परफेक्टली और अच्छे तरीके से मैच करवाने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शोले फिल्म जो कि 1975 के अंदर में आई थी, और ये जो फिल्म है ये रामनगरम में बनी थी। बेंगलुरु जो जगह है शहर, वहाँ से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक रामनगरम जगह है जहाँ पे फिल्म के अंदर में रामगढ़ बनाया गया था और एक पर्टिकुलर गांव बसाया गया था। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर में मैं बता देता हूँ, ये वाला जो आज मैं आपको जो लोकेशन मैच करवा रहा हूँ ये वाला सीन मैं आपको बता देता हूँ। फिल्म के अंदर में एक सीन आता है और वो कुछ इस प्रकार से होता है कि फिल्म के अंदर में जो जय और वीरू होते हैं ना, वो बेसिकली वीरू की शादी के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं। वीरू बोलता है कि मुझे बसंती से शादी करनी है, तो बोलते हैं भाई तेरा इस महीने के अंदर में आठवां फैसला है। तो वो बोलते हैं नहीं यार इस वाला पक्का है। तो वो बोलते हैं कि देखिए मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तेरा बहुत बड़ा फैसला है, तू बसंती से शादी करना चाहता है। अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा में यार है यार। यार के दिल की बात जान सकता है, और वो यार ये भी जानता है कि इस साल शादी साल में ये फाइनल है यार। फाइनल। सुबह से दारू पी रहा है ना। तो दोस्तों वो जो सीन है ना वो मैं अब आपको परफेक्टली तरीके से मैच करवाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से नज़ारा एक्चुअल में बहुत ही खूबसूरत आ रहा है, और वो सीन अभी मैं आपको मैच करवाने वाला हूँ। देख सकते हैं एक्चुअली में होता क्या है कि ये दोनों एक पत्थर के ऊपर बैठे रहते हैं, जय और वीरू, हमारे धर्मेंद्र साहब और अमित जी। तो यहाँ पे दोस्तों पत्थर रखे हुए होते हैं, हालांकि अभी ये जो पत्थर हैं ये कम हो चुके हैं। पहले यहाँ पे जो पत्थर थे ना वो यहाँ पर ज़्यादा थे, और इस जगह पे अमिताभ बच्चन जी लेटे होते हैं और यहाँ पे वीरू होते हैं यानी कि धर्मेंद्र जी, वो पत्थर के ऊपर में बैठे होते हैं। और पत्थर के ऊपर जब बैठे होते हैं ना वो, तो पीछे की तरफ ये नज़ारा दिखाई देता है। हालांकि ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है ना ऊपर, एक अलग से ही दिख रही है। जब कैमरा लो एंगल से लिया जाता है ना तो वो पहाड़ी नहीं दिखती है, सिर्फ ये सीन दिखता है। और अगले सीन के अंदर में क्या होता है कि यहाँ इस जगह पे जूम करके, मतलब जब वीरू अमित जी की तरफ देखते हैं ना, तो वहाँ इस पहाड़ी का सीन नज़र आता है, और इस पहाड़ी का नज़र आता है, उस पहाड़ी के अंदर में एक गड्ढा हो रखा है। तो वो गड्ढा जो है ना दोस्तों, वो आपको स्क्रीनशॉट में मैच हो जाएगा, वो सीन परफेक्टली तरीके से दिखाई पड़ता है। फिर क्या होता है कि कुछ सीन यहाँ से दिखाई देते हैं, वो जब सीन आता है मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। यार पार्टनर, मेरा एक काम कर दे यार। वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए। मैं क्यों करूं? लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़के वालों के घर। तू नहीं चाहता मेरा घर बस जाए, मेरे बीवी बच्चे हो और मेरे बच्चे हो जो तुम्हें चाचा चाचा कहकर बुलाएं। तो उसमें क्या होता है कि दारू पीकर है ना, फिर मतलब वो इस तरीके से सीन आता है कि जो हमारे यहाँ पे थोड़े दोस्तों पत्थर ज़्यादा हैं, तो मैं आपको इधर इसकी तरफ से सीन मैच करवाता हूँ। बेसिकली इन पत्थरों का भी सीन दिखाई जाता है, और वो कैमरा नीचे की तरफ से एंगल किया जाता है, बट अभी मैं आपको वो सीन मैच करवा रहा हूँ जब वो घूम कर जाते हैं। तो पीछे ही जो पहाड़ है ये पेड़ की वजह से दिख नहीं पा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बैक कैमरे से और डिटेल में मैच करवाऊँगा। फिर जब वो यहाँ पर आ जाते हैं ना इस जगह पर, तो इस पहाड़ की कटिंग है ये डिज़ाइन, ये मैच होती है, और इस जगह पे भी ये सीन देखो, पीछे की साइड में जो पहाड़ है ना दोस्तों, ये भी मैच होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये वाली जो पहाड़ी नीचे की तरफ जा रही है ना, ये भी परफेक्टली तरीके से मैच होती है। और एक सीन और मैं आपको परफेक्ट मैच करवाने वाला हूँ, इस जगह पर कुछ कटाव होते हैं पत्थरों में, और ये पत्थर बहुत ही अलग दिखाई पड़ते हैं, जब आप आओगे तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर अलग से रख दिए हों। तो दोस्तों ये फाइनली एक सीन मैं दिखा के आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ।
देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पत्थर अलग से रखे हुए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो सीन है कम्प्लीटली अभी दिखा दिया है और बैक कैमरे से और अच्छे से मैच करवा दूंगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे यदि आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। दोस्तों अभी मैं वो सीन आपको दिखाने वाला हूँ और प्रॉपर तरीके से आपको बैक कैमरे के माध्यम से मैच करवाने वाला हूँ। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। तो दोस्तों ये जो गाना है, इस गाने के बाद में जब जय वीरू यहाँ पर शराब पी रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, तो बसंती से विवाह के लिए धर्मेंद्र जी उन्हें कहते हैं, तो वो जो सीन है यहीं से लिया गया है। और यहाँ पे कुछ पत्थर रखे हुए होते हैं और यहाँ पर अमित जी लेटे होते हैं और एक जो पत्थर है वो यहीं पे रहता है और सीन कुछ इस तरीके से दिखता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जूम करके, ये जो पहाड़ का ये जो वाला छेद, मतलब छेद क्या, गड्ढा जो बना हुआ है ना, ये गड्ढा दिखाई देता है और यहाँ इस जगह पे ही एक पत्थर रहता है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे धर्मेंद्र जी बैठे रहते हैं। और वो जो सीन है कुछ इसी तरीके से लिया गया था, आप परफेक्टली मैच कर सकते हैं। और इस सीन के अंदर में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे ही जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी का कटाव है ना, ये पहाड़ी दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा मैं आपको खड़ा होकर दिखा देता हूँ, देखिए अब ये पहाड़ी की डिज़ाइन आपको परफेक्टली मैच हो रही होगी, और ये जो वाली जो पहाड़ी है ना, ये भी परफेक्टली मैच हो रही होगी इसी तरीके से। तो इसका सीन दिखाई देता है, देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर में, और कुछ सीन इसी पहाड़ी से टच होते हुए दिखाई पड़ते हैं जब धर्मेंद्र जी चलते हैं, ठीक है। तो वो जो सीन है वो यहीं पे दिखाई देते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ से वो पहाड़ी कुछ यूं जा रही है और यूं कट होके यूं दिख रही है, अगर आप देख सकते हो तो देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, ये देखिए। तो स्क्रीनशॉट में दिखाई पड़ता है धर्मेंद्र जी यहीं से होते हुए जाते हैं। ऐसा नहीं हो कि तुम्हें, जब मेरे बच्चे होंगे तो चाचा चाचा कह के तुम्हें ही तो बुलाएंगे, और तो फिर अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं अच्छा तो इसके बाद में मुझे तुम्हारे घर में आया की नौकरी मिलेगी, तो इस तरीके से कुछ करके डायलॉग होता है। और देख सकते हैं आपको ये जो पहाड़ी का कट है ये भी दिखाई पड़ रहा होगा, और ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी का भी कट दिखाई पड़ रहे होंगे, देख सकते हैं आप स्क्रीन शॉट में, ये पहाड़ियाँ भी प्रॉपर मैच हो रही होंगी। बहुत मेहनत के बाद में दोस्तों ये लोकेशन को हम मैच कर पाए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि बेसिकली जो रामगढ़ गांव बसा हुआ था वो कहाँ बसा हुआ था और किस प्रकार से पहाड़ियाँ नज़र आती है और किस प्रकार से उस समय सीन शूट किए गए थे, ये देख सकते हैं आप। ये पहाड़ी को और ये डिज़ाइन को भी मैच कर सकते हैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से। और इस पहाड़ी का भी सीन दिखाई पड़ता है जब धर्मेंद्र जी बैठे रहते हैं और इस पहाड़ी को भी सीन नज़र आता है, मैच कर सकते हैं आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल पे ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और मिलेंगे फिर किसी नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।